नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। आज जितने भी सूत्र थे गुप्त सूत्र से सारे के सारे फैल हो गए। जितने भी सोशल मीडिया पे यह मैसेज छोड़ा गया था कि आज नियुक्ति पत्र को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से लेटर जारी होगा, वो सारे अफवाह झूठी निकली। लेटर जारी हुआ, प्रेम पत्र भी जारी हुआ, सिर्फ अभ्यर्थियों को लॉली पॉप के लिए। आज वीडियो में बताएंगे कि वो कौन सा लेटर जारी हुआ है जो अभ्यर्थियों को खुशी दे सकती है। वो एक अभ्यर्थियों को गुमराह करने के लिए एक लेटर जारी किया गया है और जो सचिवालय जाते होंगे उनको लगता होगा कि नियुक्ति पत्र के लिए बात हो रहा था, लेकिन नियुक्ति पत्र के लिए बात नहीं हो रहा, वो बात हो रहा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। आज जो शिक्षा विभाग की तरफ से जो लेटर जारी हुआ है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जारी हुआ। उसमें साफ कहा जा रहा है कि पहले जो डेडलाइन रखा गया था 31 अक्टूबर तक, उसे अब हटा के फरवरी के थर्ड वीक तक यानी कि तीसरे सप्ताह तक कर दिया है। उसको तीसरे सप्ताह तक हर शिक्षा विभाग को जाँच करना है। अगर वो जाँच नहीं करते हैं तो इसकी सारी जवाबदेही जिला शिक्षा पदाधिकारी को होगा और वो नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन आप सब जानते हैं कि उन पर कभी कार्रवाई होने वाली नहीं है, ना ही कोई कर्मचारी पे होने वाला है, और वो तो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं तो उन पर कार्रवाई कैसे होगी। ये लेटर शिक्षा विभाग की तरफ से अभी अभी जस्ट सचिवालय की तरफ से जारी किया गया है। उसमें ये भी कहा गया है कि बहुत सारे जिले ऐसे हैं, प्रमंडल वाइज बात किया गया कि बहुत सारे प्रमंडल ऐसे हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत स्लो यानी कि निम्न स्तर पे चल रहा है, उनका भी अपडेट हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए वो लेटर देख लीजिए और उस लेटर से आप अनुमान लगा लीजिए कि आपके लिए कितनी खुशी वाली वो खबर है या दुख वाली खबर है, या अभ्यर्थियों को गुमराह करने के लिए वो लेटर जारी किया गया है कि जो लोग सचिवालय जा रहे थे उनको आश्वासन देने के लिए बोला जा रहा था कि आज लेटर आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे पत्रकार ने भी ये ट्वीट किया, मैसेज छोड़ा कि आज आपको कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। मिला अच्छी खबर, हाथ में लड्डू मिला। खैर वो लेटर चलिए देख लीजिए, कुछ लेटर इसमें ऐसा क्या निकल के आ रहा है जो आपके लिए जानना जरूरी है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्रेषक संजय कुमार अपर मुख्य सचिव सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना बिहार पटना 27/12/2021 के आलोक में विषय वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रमाण पत्र सत्यापन के संबंध में जारी किया गया है। क्या इसमें कहा जा रहा है वो देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि विभागीय पत्रांक 998 दिनांक 22/9/2021 एवं पत्रांक 10/22 दिनांक 27/9/2021 एवं पत्रांक 12/27 दिनांक 5/11/2021 तीनों डेट में जो लेटर निकाला गया उसका नंबर यहाँ पे दिया गया है। और इसी के आलोक में कहा जा रहा है कि महाशय या महाशय उपरोक्त विषयक प्रशासनिक पत्र स्मरण करें जिसके माध्यम से वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन दिनांक 31/10/2021 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया था। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना से दिनांक 28/12/2021 को समिति के क्षेत्रीय कार्यालय से सत्यापन संबंधी प्राप्त विवरणी के अनुसार अन्य जिला के अलावा विशेष से पटना प्रमंडल, पटना सारण प्रमंडल, छपरा एवं पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया में सत्यापन की स्थिति संतोषजनक नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे साफ कहा जा रहा है कि प्राप्त विवरणी के अनुसार अन्य जिला के अलावा विशेष रूप से कौन कौन है, पटना प्रमंडल। अब पटना प्रमंडल में कौन कौन से जिले आ रहे हैं वो देख लीजिए, खास करके पटना सारण प्रमंडल, छपरा एवं पूर्णिया प्रमंडल। अब पूर्णिया में सत्यापन की स्थिति संतोषजनक नहीं है। आप अवगत हैं कि आम पंचायत चुनाव 2021 के पश्चात तृतीय चक्र के काउंसिलिंग की तिथि निर्धारित की गई है जो कि दिनांक 28/1/2022 को पूर्ण हो जाएगी। अतः निर्देश है कि सभी चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन अनिवार्य रूप से फरवरी के तृतीय सप्ताह तक पूर्ण करा लिया जाए ताकि तदुपरांत नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जा सके। निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत प्रमाण पत्रों के
सत्यापन में विलम्ब की स्थिति में इसकी सारी जिम्मेवारी जिला शिक्षा पदाधिकारी की होगी। विश्वास भजन संजय कुमार अपर मुख्य सचिव। अब देखिए सारी जिम्मेदारी तो जिला शिक्षा पदाधिकारी को दे दिया गया है लेकिन कभी इस पर कार्रवाई नहीं होती है दोस्तों। अब समय सीमा कब रखा गया है तो फरवरी के तृतीय सप्ताह तक पूर्ण करा लिया जाए, यानी कि फरवरी के तीसरे सप्ताह में यानी कि 20 तारीख के लगभग में ये मान के चले कि 20 तारीख तक आपको एक डेडलाइन रखा गया है शिक्षा विभाग की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। तो एक छोटा सा अपडेट था जो हमने आपको दिया दोस्तों, और भी कुछ अपडेट आएगा शिक्षा विभाग की तरफ से तो वो अपडेट हम आपको जरूर देंगे। तो फिलहाल ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।